हेलो दोस्तों, प्रतिमा जी एस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर पर टिप्पणी कीजिए। सीधा प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर पर चर्चा करनी है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अब कोणार्क के सूर्य मंदिर, कोणार्क उड़ीसा के प्राचीन राजधानी थी। एक किंवदंती के अनुसार चक्र क्षेत्र जगन्नाथपुरी के उत्तर पूर्व में यह सूर्य मंदिर स्थित है। यानी कोणार्क उड़ीसा की प्राचीन राजधानी थी और वो एक क्षेत्र था जहाँ पर माना जाता है कि चक्र क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी के उत्तर पूर्व में एक सूर्य मंदिर स्थित है। पुराणों में कोणार्क को मैत्रो यवन और पदम क्षेत्र भी कहा जाता था। पुराणों में कहा गया है कोणार्क को मैत्रो यवन और पदम क्षेत्र कहा गया है। कोणार्क अपने सूर्य मंदिर के लिए विशेष प्रसिद्ध है। आईने अकबरी में अबुल फजल लिखता है, ये अबुल फजल अकबर के समय उनके दरबारी मंत्री और साहित्यकार हुआ करते थे। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर अकबर के समय से 730 वर्ष पुराना था, किंतु उड़ीसा के ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर यह कहना समाचीन होगा कि इस मंदिर को पूर्वी गंगवंशीय शासक नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं सती ईस्वी में बनवाया था। ऐतिहासिकता यहाँ पर संदिग्ध नहीं है। कोणार्क का सूर्य मंदिर गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अकबर के 730 वर्ष पुराना यदि बताया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये 9वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो अबुल फजल के अनुसार ये 9वीं शताब्दी है, परंतु यह गलत है। लेकिन जो कि अबुल फजल ने लिखा है कि 730 वर्ष पुराना था, तो आपको ये मेंशन करना अकॉर्डिंग टू अबुल फजल। लेकिन वास्तविकता में यह नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं सदी में बनवाया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। इसकी आकृति सूर्य रथ के अनुरूप है। इसके विशाल एवं भव्य चक्रों पर जो मनोरम मूर्तिकारी अंकित है वह सर्वथा अभूतपूर्व एवं अनोखी है। मंदिर का शिखर आमलक प्रकार का है जिसके ऊपर अमृत कलश रखा हुआ है। प्राचीन जनश्रुतियों के अनुसार 1200 उड़िया कलाकारों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर को बनाने के लिए चंद्रभागा और चित्रोत्पला नदियों का प्रवाह को रोक दिया गया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस समय कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण हो रहा था उस समय चंद्रभागा और चित्रोत्पला के यानी दो नदियों के प्रवाह को रोक दिया गया था जिससे निर्माण आसानी से किया जा सके। कोणार्क के सूर्य मंदिर की संरचना सूर्यदेव के विराट रथ या विमान के रूप में की गई है। 12 राशियों के प्रतीक इस मंदिर के आधारभूत 12 महाचक्र हैं और सूर्य के 7 असों के परिचायक के रूप में यह 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियां बनाई गई हैं। वास्तव में सूर्य के 7 घोड़े उनकी किरणों के 7 रंग के प्रतीक हैं। इस सूर्य के 2 भाग हैं, रेखा और शिखर। रेखा अथवा शिखर
और भद्र अथवा जगमोहन, जिसके ऊपर शिखर निर्मित है। तांत्रिक मत के अनुसार मंदिर के दोनों भाग पुरुष और स्त्रीत्व के वास्तु प्रतीक हैं, जो अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अबुल फजल ने लिखा है कि कला के इस आलोचक इस मंदिर को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वास्तव में यह अद्भुत कलाकृति अपने महान निर्माता के स्वप्न की साकार अभिव्यक्ति ही जान पड़ती है। मतलब इसकी एक तारीफ ही की गई है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर एक अलग प्रकार का अपने कृति रखता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।